हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आज मेरी वीडियो फिर से है जूती पोंछा डिजाइन पे, जो कि जूती पोंछा डिजाइन मैं पहले भी बता चुकी हूँ, लेकिन उसमें क्या है, थोड़ा सा अंतर था। जो हमारी जो आगे की कटिंग होती है वो हमने ली थी गोल, जो कि हमारा जूती टाइप में बनता है, और ये लिए हमने थोड़ी सी इसकी कोन निकाल के। इस तरीके से भी आप जूती पोंछा बना सकते हैं, और जो हमारी पीछे वीडियो थी उस तरीके से भी आप इसमें जूती पोंछा बना सकते हैं, क्योंकि दोनों साइड से अच्छा लगता है, यानी दोनों शेप अच्छी लगते हैं इसमें। और इस तरीके से इसमें लगाई लाइनिंग। लाइनिंग लगाना बिल्कुल आसान होता है, इस सीधे तरीके से आप एक पैर की लाइनिंग लगाइए। और अगर फिर भी आप नए हैं, सिलाई नहीं आती आपको, तो आप इसमें क्या है कि एक मार्क कर लीजिए और उसमें निशान बनाइए, और उस हिसाब से आप इसमें लगा सकते हैं। और ये लाइनिंग जो अंदर होती है हमारी टेढ़ी मेढ़ी, इस तरीके से इस मशीन को इधर उधर घुमाना होता है, और जो हमारा नीचे कपड़ा उसको सरकाते रहिए, यानी कि हमारा जो पोंछा उसको पकड़ के लाते रहिए, और ये डिजाइन बनता रहेगा। ये डिजाइन बिल्कुल सिंपल होता है बनाना, और बिल्कुल आसान होता है इसको बनाना। इस तरीके से आप बना सकते हैं इसमें लाइनिंग वाला जूती पोंछा डिजाइनिंग। और ये लगा दिए हमने बटन इसमें, और ये हमारा बटन वाला जूती पोंछा बन गया। आप भी बना सकते हैं इस तरीके से, और प्लीज़ कमेंट करके बताना कि आपको हमारी ये पोंछे वाली वीडियो कैसी लगी।